नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अवध न्यूज पर। सीतापुर जनपद में कोरोना से हुई पहली मौत के बाद प्रशासन ने नियमों में और सख्ती करनी शुरू कर दी है। जी हां, आज डीएम ने शहर के एक क्लिनिक का निरीक्षण किया तथा उसे बंद करने का आदेश दे दिया। जिला प्रशासन पूरी तरह कोरोना के प्रति गंभीर है। आपको बता दें कि आज डीएम ने पहले तो मृतक के निवास और संक्रमण फैलने वाली जगहों को सैनिटाइज करवाने के आदेश दिए। वहीं जिनसे भी मृतक का संपर्क हुआ है उनकी जांच करवाई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक ने महावर क्लिनिक पर अपना कुछ दिन इलाज कराया था, जिसको लेकर क्लिनिक को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। आगे सुने क्या बोले डीएम। सर, आपने जो है हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक जितेंद्र कुमार जी थे, जो एक गाँव के प्रधान पति थे और शास्त्री नगर मोहल्ले में रहते थे। उनकी कल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेथ हो गई थी। उनका जो कांटेक्ट ट्रेसिंग किया गया है, तो उसमें जो उनके आसपास पड़ोस के लोग थे, उसमें दो तीन परिवार जिनसे उनके संपर्क होते थे, तो उस परिवार को हम लोग सैंपलिंग के लिए अलग किए हैं और साथ ही साथ उस मोहल्ले में पूरे तरह से बाहर और अंदर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। उसी क्रम में ये मालूम हुआ था कि यहाँ पर महावर क्लिनिक है। कुछ दिन पहले वो यहाँ पे आए थे अपने इलाज के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी थी और जो कोविड का प्रोटोकॉल है, उस कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन भी नहीं हो रहा है। और चूँकि यहाँ पे वो आ चुके थे, इसलिए उस क्लिनिक को अभी फ़िलहाल हम लोग सील करके और वहाँ पे पूरा उसका सैनिटाइजेशन करने के बाद ही तो उसको हम लोग फिर चालू कराएंगे। उनको नोटिस भी दी जा रही है कि इस तरह से भीड़ क्यों लगाई गई है। अभी उसी के पास एक धवन पैथोलॉजी और क्लिनिक है, यहाँ पर भी काफ़ी भारी भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर भी कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। अभी इनको भी हम लोग नोटिस दे रहे हैं और हम सभी नागरिकों से भी ये अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक भीड़ से बचें, और ख़ासकर जहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट जहाँ पर ज़्यादा हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा हैं, तो उससे बचें और डॉक्टर से टाइम ले करके वो आवे, या तो बिल्कुल मॉर्निंग आवे, या 10 से 12 के बीच में आवे, या दोपहर के बाद आवे, या रात में आवे, जो भी वो टाइम देते हैं उस टाइम के अनुसार ही आवे। एक साथ सभी लोग अगर आते हैं तो भारी भीड़ होगी और उससे किसके अंदर कौन सा वायरस है या किस वजह से वो संक्रमित है, वो एक दूसरे को फैलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि कोरोना ही हो, लेकिन और भी बीमारियाँ उसके अंदर आ सकती हैं। ठीक सर, तो इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर आज ये चेकिंग अभियान चलाएँ।